आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्ति आपके कॉन्शियस माइंड यानी सचेत मन से ज्यादा है। इस बात को तो मैंने कई बार बताया है, पर क्या आप जानते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड कब सबसे शक्तिशाली रूप में होता है? इसकी ताकत सबसे ज्यादा कब रहती है? अगर ये आपको पता चल जाए तो आप उसकी मदद से दुनिया में जो चाहे वो पा सकते हो, और वो भी बहुत जल्दी कम समय में। ये तब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जब आप सोने जा रहे होते हो, आपके दिन के आखिरी 5 मिनट। उस समय आपके दिमाग को जो आप सूचना भेजोगे आपकी जिंदगी में वही होने लगेगा। उस समय आपके पास एक बहुत अनोखी शक्ति होती है जिसके बारे में आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। आपकी अवचेतन मन तो 2400 घंटे सक्रिय रहती है, पर ये रात में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि पूरे दिन आपकी सिचुएशन कैसी भी हो आपको सकारात्मक सोचना चाहिए, पर इस वीडियो का मेरा मेन मकसद आपको ये बताना है कि पूरे दिन भर आप पॉजिटिव सोचो उससे ज्यादा इफेक्टिव रात के सोने के पहले के 5 मिनट होते हैं। पूरे दिन आप सकारात्मक सोचोगे और रात में ऑटोमेटिकली नकारात्मक ख्याल आएंगे, तो फिर पूरे दिन की सकारात्मक सोच का कोई फायदा नहीं होता। और इसके उल्टा अगर आपका पूरा दिन बेकार भी गया और अगर आप उन 5 मिनटों में जो मैं बोल रहा हूँ उसे आपने किया, तो वो ज्यादा असरदार होगा। उन 5 मिनटों में आप एक काम करके दुनिया में जो चाहे वो पा सकते हो, चाहे वो कोई चीज हो या कोई इंसान। हर दिन सोने के पहले के जो 5 मिनट होते हैं उस समय की सोच सबसे ज्यादा इफेक्टिव यानी असरदार होती है। वो आपकी जिंदगी को बहुत गजब तरीके से इफेक्ट करता है। हम लोग में से ज्यादातर लोग जब रात को सोने जाते हैं तो जो सोने के पहले के 5 मिनट होते हैं उसमें उन सब चीजों के बारे में सोचते हैं जो नेगेटिव होती है। आज के दिन क्या खराब हुआ था, आज ये काम नहीं बना, उसने मुझे आज चोट पहुंचाया और कई नेगेटिव चीजें। उन 5 मिनट्स में हम जितने चिंता वाली चीजें हैं उसे सोचते हैं, और सच बताऊं तो इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, ये तो आपके दिमाग की नेचर ही है। इस सोसाइटी ने हमारा ब्रेन ही वैसा बना दिया है। आप मुझसे कहोगे कि ओके तो आखिर उन 5 मिनटों में करना क्या है, आपको क्या करना है? आपको सिर्फ उसे रिवर्स यानी उसे उल्टा कर देना है। आप वो सब सोचते हो जो नेगेटिव है, तो आपको उस समय उन सब चीजों को सोचना है जो पॉजिटिव है। मैं जानता हूँ कि ये आपको एक छोटी सी चीज लग रही होगी, पर ये आपकी जिंदगी को पलट सकती है। रात को जब इंटरनेट चलाना हो जाए उसके बाद जब आप सोने के लिए जाते हो तो उस समय आप अपनी बैकबोन को स्ट्रेट यानी सीधा करके इस पोज में रहना, और फिर आपको 10 बार गहरी सांस को लेना होगा, और फिर आपको विजुअलाइजेशन करना होगा। आप ये सोचना कि आप अपने अंदर मौजूद सब कुछ को पाने की जो अनोखी शक्ति है, वो जो चमत्कारी ऊर्जा है, वो आपके दिमाग के चारों तरफ घूम रही है। आपका दिमाग अंदर बाहर दोनों जगह से एक ऊर्जा से भर रहा है। जब आप ये सब कर रहे होंगे तब आप देखना कि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली शांत होने लगेगा। जब शांत हो जाए उसके बाद आप उन सब चीजों के बारे में सोचना शुरू करना जो आप चाहते हो। अपनी पूरी ऊर्जा उसी में लगा दो और जो आप चाहते हो उसके बारे में सोचते रहो, तब तक जब तक आपको नींद ना आ जाए। मतलब जब तक नींद ना आए तब तक जानबूझकर जितने सकारात्मक चीजें हैं उन सब चीजों के बारे में सोचो। अगर आपने मेरी दिमाग की अनोखी शक्ति वाली वीडियो को देखा है तो आप इस तकनीक को पहले से ही जानते होंगे, पर इस वीडियो का मेरा मेन मकसद ये बताना है कि इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को आप उस वक्त ट्राई करो जब आप सोने जा रहे होते हो, क्योंकि उस वक्त ये किसी और समय के मुताबिक हजारों गुना ज्यादा असरदार होता है। आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है, पर अगर हमने 5 मिनट सोच भी लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, और ये आखिर काम कैसे करता है? इसे तो आप जरूर जानना चाहोगे। मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कई चीजों को बताया है, पर सबकॉन्शियस माइंड की एक कमजोरी के बारे में भी सुन लो आप। इस दुनिया में जितने भी पावरफुल चीजें हैं सबकी कोई ना कोई कमजोरी होती है, और सबकॉन्शियस माइंड की भी एक कमजोरी है, और वो कमजोरी है डिस्टिंक्शन यानी फर्क को समझने की कमजोरी। आप जो सोचते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं सब चीजों को आपके तरफ खींचता है,
पर उसे एक्चुअली ये नहीं पता होता कि क्या रियल है और क्या फेक। इसलिए जो आप सोचते हो उसे वो रियल मान लेता है, और अगर आप उस चीज को लेकर डटे रहते हो तो वो सच में रियल हो जाता है। मतलब आप रात को सोने के पहले नेगेटिव चीजों को सोचते हो तो वो आपके लिए तो सिर्फ एक ख्याल है, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो एक असली सिचुएशन होता है। और हमारी टिपिकल आदत डेली रात को नेगेटिव चीजों को सोचना होता है, और इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मान लेता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ है, और उसी के चलते जब रात को आप नेगेटिव चीजों को सोचते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ही रियल मान लेता है, और असल में आपके जिंदगी में वही होने लगता है। सोने के 5 मिनट पहले अगर आपने कुछ नेगेटिव चीजों को सोचा तो आपका अवचेतन मन उसे एक सजेशन की तरह लेता है। इनडायरेक्टली आप उसे कह रहे हो कि मेरी जिंदगी की सिचुएशन वैसी कर दो। अगर आप डेली रात को उन सब चीजों के बारे में सोचोगे जो नहीं होना चाहिए, उन सब परिस्थितियों के बारे में सोचोगे जो आप अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहते, तो जाहिर सी बात है आपके साथ वही होने लगेगा। इससे आप क्या कर रहे हो, इससे आप अपनी सोच को सील कर रहे हो। और अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा भी होने वाला होगा ना, तो वो नहीं होगा इसी नेगेटिव सोच के चलते, क्योंकि आप अपने सोच के दायरे को नकारात्मक चीजों में बांध रहे हो। मैं दुखी हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। रात के सोने के पहले उस पावरफुल यानी शक्तिशाली समय के दौरान इन सब चीजों को बोल बोल के आप इस ब्रह्मांड की प्रोग्रामिंग को बदल रहे हो। इसके बदले आप अपने आप से बोलना कि मैं खुश हूँ, मैं लकी हूँ, मेरा अगला दिन अच्छा जाएगा, मजा आएगा। आपकी सोच आपकी लाइफ के प्रोग्रामिंग को बदल सकती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बैंक की तरह है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। उन पैसों से आप जो चाहे वो खरीद सकते हो, पर आप कर क्या रहे हो? पैसे तो ले जा रहे हो और खर्च भी कर रहे हो, पर आपको चाहिए कुछ और खरीद रहे हो कुछ। मतलब पैसे लेके मार्केट तो जा रहे हो और खुद ही जो नहीं चाहिए उसे खरीद रहे हो, और जब घर वापस आ रहे हो तब सोच रहे हो कि अरे मेरी लाइफ तो बर्बाद है एंड ऑल दैट। वो जो पैसा है वो आपकी सोच है, उसे आपको सही जगह पर खर्चना चाहिए। वो जो मार्केट है वो ये दुनिया है, इसलिए आपकी जो सोचने की शक्ति है उसे सही जगह पर इस्तेमाल करो। सही चीजों को, पॉजिटिव चीजों को सोचो। लाइफ में चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी सोच है। अगर नेक्स्ट दिन आपका एग्जाम है तो रात को सोने के पहले टेंशन लेने के बदले आप सकारात्मक सोचो। अगर कल कुछ जरूरी काम करना है आपको, तो रात को सोने के 5 मिनट पहले ही सोचना शुरू कर दो कि अगले दिन जो होगा वो अच्छा होगा। इससे आपकी सफलता की चांसेस बढ़ जाएगी। जगने और सोने के बीच की वो टाइम एकदम चमत्कारी समय होती है, तो इस समय का पूरा फायदा कैसे उठाएं वो मैंने आपको बता दिया है। एक काम करो, आज रात ही आप इसे ट्राई करना। आज रात को सोने के पहले आप जानबूझ के जितने सकारात्मक चीजें हैं उसे सोचना और देखना। 95% चांसेस है कि आपका अगला दिन अच्छा जाएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप उस बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि अगली बार जैसे मैं नए वीडियोस डालूं वो आपको तुरंत सबसे पहले मिल जाए।